हाय फ्रेंड्स, और आज हम लोग डील करने वाले पैसेज टू इंडिया ईएम क्लस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग सब जितना कैरेक्टर है वो सब के बारे में जानने वाले हैं। अच्छा, एक कोट है जो उनको इंस्पायर किया, वो कोट से हम स्टार्ट करना चाहते हैं आज से। ये कोट है कि कर्तव्य करने में ही चित्त की शांति है, कर्तव्य पालन करने वाला आग और पानी की परवाह नहीं करता। ठीक है, तो आते हैं पैसेज टू इंडिया ईएम फ्रॉस्टर। उनका जन्म हुआ था 1879 में और डेथ हुआ था 1970 में। तो मेन कैरेक्टर, सबसे मेन कैरेक्टर डॉक्टर अजीज। ये हम लोग का डॉक्टर अजीज जो है एक मुस्लिम डॉक्टर है, और इनके बारे में ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए जाते हैं मॉस्क्यू में। वहां पर वो मिसेस मुरे से मिलते हैं, और लास्ट तक जो ईएम फ्रॉस्टर का ये कैरेक्टर डॉक्टर अजीज, लास्ट तक इसके इर्द गिर्द ही पूरा स्टोरी नॉवल घूमते रहता है। ठीक है, फिर है मिस्टर्स मुरे। मिस्टर्स मुरे जो है वो माँ है मिस्टर रॉनी की, स्लॉप के मम्मी है। ठीक है, मैं बस शॉर्ट में बता रहा हूँ। मिस्टर्स मुरे जो है मदर ऑफ मिस्टर रॉनी की स्लॉप। ठीक है, पूरा नाम रॉनी की स्लॉप है। ये चीज एडेला क्वेस्ट। एडेला क्वेस्टेड सी इज अ यंग गर्ल एंड लाइकली टू मैरी मिस्ट्रेस मुरे सन मिस्टर रॉनी हिस्लॉप। ठीक, तो ये एक यंग लड़की है और ये मतलब कि शादी करने वाली है मिस्टर्स मुरे का बेटा मिस्टर रॉनी हिस्लॉप से। ये इंग्लैंड से इंडिया आती हैं और इनको बहुत ही मन करता है कि हम लोग हमारा वार केव्स देखे और वहाँ का ब्यूटी के बारे में, इंडियन ब्यूटी के बारे में जानने का मन करता है, और इसलिए वो इंडिया आती हैं। और वो मिस्टर्स मुरे का बेटा जो रॉनी हिस्लॉप होता है उससे शादी करना चाहती है। ठीक है, मिस्टर रॉनी हिस्लॉप से, मिस्टर्स मुरे का बेटा मिस्टर रॉनी हिस्लॉप से वो शादी करना चाहती है। नेक्स्ट है मिस्टर ट्यूटन। मिस्टर ट्यूटन अ कलेक्टर हु प्रपोजेस फॉर अ ब्रिज पार्टी, मतलब वो कलेक्टर जो ब्रिज पार्टी रखते हैं। ठीक है, ताकि जो खाई है इंडियन का बीच का और इंग्लिश पीपल लोग का बीच का, वो खाई को भर पाए। ठीक है, तो खाई को भरने के लिए वो क्या करते हैं, वो खाई को भरने के लिए वो एक ब्रिज पार्टी रखते हैं, सिंपल पार्टी जिसमें इंडियन भी आते हैं और साथ साथ में इंडियन के अलावा इंग्लिश पीपल लोग भी रहते हैं। इसमें अजीज को भी, डॉक्टर अजीज को भी इनवाइट किया जाता है, तो डॉक्टर अजीज भी जाते हैं। फर्स्ट टाइम कभी भी ऐसा होता है, फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कभी कि वो इतना खास पार्टी में जाते हैं, जिससे पहले वो कभी भी मतलब इतना खास पार्टी में नहीं गए होते। फिर अजीज मतलब डॉक्टर अजीज खास पार्टी में गए। मिस्टर रॉनी हिस्लॉप सन ऑफ मिस्ट्रेस मुरे लाइकली टू बी अ हस्बैंड ऑफ अडेला क्वेस्ट। तो मिस्ट्रेस रॉनी हिस्लॉप कौन है, वो मिस्ट्रेस मुरे का बेटा है और वो हस्बैंड होने वाले किसका, अडेला क्वेस्ट का। हम सारा रिलेशनशिप को क्यों ना हम एक दूसरे के रिलेशनशिप से ही समझाने को इसके, ताकि आपको एटलीस्ट कुछ नहीं ये समझ में कि कौन किससे क्या रिलेटेड है, हम उसको डिटेल में उतना डिस्कस नहीं किए। ठीक है, तो ये सिटी मजिस्ट्रेट रहते हैं मिस्टर्स रॉनी हिस्लॉप इस नॉवल में, है ना। और ये जब आते हैं ब्रिटेन से इंडिया तो इनका कैरेक्टर काफी बदल जाता है। ये मतलब कि अपना वर्क के प्रति काफी ज्यादा निष्ठावान हो जाते हैं और मतलब अपना वर्क को ज्यादा पसंद करने लगते हैं और उसमें ज्यादा बिजी रहते हैं, है ना। ये चीज इनका में चेंजेस आता है और ये अडेला क्वेस्ट ऑब्जर्व करती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अडेला क्वेस्ट डिसाइड करते हैं कि नहीं हम इनसे शादी नहीं करेंगे, फिर वो बोलती है नहीं हम शादी करेंगे रॉनी हिस्लॉप से। ठीक है, और फाइनली लास्ट ऑफ द नॉवल वो लोग मैरिज नहीं करते। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट है मिस्टर फील्डिंग। मिस्टर फील्डिंग पूरा नाम है यहाँ पे क्राइल फील्डिंग। ठीक है, क्राइल फील्डिंग, है ना। तो क्राइल फील्डिंग, मिस्टर क्राइल फील्डिंग द स्कूल मास्टर एट द गवर्नमेंट कॉलेज, है ना। कहीं कहीं ये मतलब इंग्लिश मैनों की तरफ से गवर्नमेंट कॉलेज वहां का स्कूल मास्टर थे इंडिया में। ठीक है, इंडिया में नारायण, प्रोफेसर नारायण गोडबोले, वो एक प्रोफेसर रहते हैं, है ना। और इनका पहला नॉवल में इंट्रोड्यूस होता है, ये जब जाते हैं यहाँ पर, ये मतलब मिसेस मुरे का घर जाते हैं वहां पर ये इंट्रोड्यूस होते हैं फर्स्ट टाइम नॉवल, है ना। प्रोबेबली वो चैप्टर 14 या 15 नॉवल का। ठीक है, ठीक, तो फिर नेक्स्ट 8 नंबर है नवाब बहादुर एन इम्पोर्टेंट लोकल फिगर। ये नवाब बहादुर जो रहते हैं वो बहुत ही मतलब कि ये क्या करते हैं, ये एक बार क्या होता है कि अडेला बोलती है कि हम मतलब क्या, रॉनी हिस्लॉप से बोलती है कि हम आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं।
है ना। उस वक्त रोनिश लब उसको हॉर्स हॉर्स मतलब हॉर्स राइडिंग होते रहता है वहां पे लेके जाता। फिर उसके बाद वो बोलता कोई बात नहीं ठीक है। और वहां पर वो जो मिस मिसेस अडेला क्वेश्चन है उनको लेके वो चला जाता है रोनिश लब घुमाने के लिए काटने के लिए। तो उस समय वो नवाब बहादुर को लेके जाता है ताकि वो लोग को मतलब कि वहां का चंद्रपुरा का जो जरूरी जरूरी चीज जो जरूरी जगह है उसके बारे में पता वो बता सके ठीक है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट लोकल फिगर है जो लोगों को गाइड के रूप में मदद करता है चंद्रपुरा घुमाने में ठीक है। नाइन्थ नंबर मिस डेरेक एन इंग्लिश वुमेन, वो एक इंग्लिश वुमेन रहती है मिस डेरेक। इतना ही मिस डेरेक एक्चुअली यहाँ पर क्या है रोल इनका, ये जब वो लोग घूमने जाते हैं कार से तो उनका कार खराब हो जाता है और जब कार खराब हो जाता है तो उस वक्त मिस डेरेक मिलती है और वही वापस चंद्रपुरा में मदद करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉन्टेंट मोहम्मद लतीफ, ये कैरेक्टर ये फ्रेंड है अजीज के, ये नॉवल में बहुत बार जिक्र है इनके बारे में। नेक्स्ट आते हैं इलेवन एंटोनी, एंटोनी एडेला का सर्वेंट है जो हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है और एंटोनी को क्या बोलते हैं ब्राइब भी करता है जब वो लोग सब जाते रहता है मारा बार के उसके लिए, तो उस वक्त अजीज ब्राइब करता है एंटोनी देता है, तो एडेला का सर्वेंट है। एम सी बायरेट द पुलिस सुपरिंटेंडेंट, एम सी बायरेट जो होते हैं पुलिस सुपरिंटेंडेंट रहते हैं। जब पहली बार एडेला क्वेस्टर जो है वो बोलती है कि रेप हुआ है, तो उस वक्त फर्स्ट टाइम जो सुनते हैं तो पूरा केस का सही से सुनवाई करते एम सी बैरेट, और ये कंफर्म रहते हैं कि हाँ अजीज ऐसा कर सकता है क्योंकि जब भी इंडियन और प्लस ब्रिटिश लोग दोनों पास में आते हैं तो अक्सर यही सब होता है। अमृत राव, तो ये बहुत ही अच्छा मतलब कैरेक्टर है अमृत राव। अजीज हायर हिम एज अ लॉयर, अजीज लॉयर के रूप में हायर करता है अमृत राव को ना। और फिर ही इज हिंदू नोटोरियसली एंटी ब्रिटिश, मतलब वो हिंदू है लेकिन वो एंटी ब्रिटिश, वो ब्रिटिश लोग से सख्त नफरत करता है इस तरीके से, मतलब एकदम पसंद नहीं करना उस टाइप से, मतलब उस टाइप का आदमी है अमृत राव, ये एक लॉयर है ठीक है। मोहम्मद अली वन ऑफ अजीज लॉयर, ये भी मोहम्मद अली अमृत राव के साथ ही मतलब ये बैठते हैं और वो जो केस चलता रहता है अजीज के ऊपर उस पर ये भी रहते हैं। मोहम्मद अली क्लेम करते हैं उस वक्त की मिस्टर स्मूरे को, जब मिस्टर स्मूरे को भेज दिया जाता है लंदन इंग्लैंड भेज दिया तो वापस, तो मैं ये क्लेम करते हैं कि मिस्टर स्मूरे को इसलिए भेज दिया गया क्योंकि वो केस को क्लेरिफाई नहीं करना चाहते वो, क्योंकि मिस्टर स्मूरे पोल खोल देती ना, क्योंकि मिस्टर स्मूरे साफ होती कि नहीं अजीज ऐसा कुछ नहीं केस ले भेज दिया गया वो क्लेम। और फिर वो उसके बाद ये कोर्ट से निकल जाते हैं रस में एकदम कि नहीं ये गलत हो रहा है इंडियन के साथ गलत हो रहा है वो कोर्ट। फिर कैलेंडर ठीक है, मिस्टर्स कैलेंडर मेजर की वाइफ है, सॉरी मिस्टर कैलेंडर मेजर है और मिस्टर्स कैलेंडर भी एक है कैरेक्टर वो वाइफ है ठीक है, वो उसको हम मेंशन नहीं किए हैं। कैलेंडर मेजर है। फिर मिसेस दास ये जज है, सिटी मजिस्ट्रेट जज है, तो यही सुनवाई करते हैं केस का, जो अजीज का केस कर रहता है उसका सुनवाई ये मिस्टर दास करते हैं। नेक्स्ट आते हैं पन्ना लाल, पन्ना लाल एक लॉयर है सिंपल लॉयर है। और फिर नूरुद्दीन, नूरुद्दीन एक प्रिजनर है और ये पन्ना लाल जो है ये नूरुद्दीन को रिलीज करने में मदद करते हैं जो प्रिजनर है, बस इसमें यही फिलहाल ये इम्पोर्टेंट है। स्टेला अ डॉटर ऑफ मिस्टर स्मूरे, स्टेला जो है वो मिस्टर स्मूरे के डॉटर है और ये सेकंड डॉटर है एक्चुअली, जो मिस्टर स्मूरे दो शादी होता है तो सेकेंड हस्बैंड से ये डॉटर है स्टेला। हाँ तो फ्रेंड और दो कैरेक्टर हैं स्टेला के अलावा, स्टेला जो है डॉटर है मिस्टर स्मूरे का और ये सेकंड हस्बैंड से, उसी तरह रैल्फ, रैल्फ जो है वो भी डॉट ये है क्या बोलते हैं सन है, सेकंड सन है मिस्टर स्मूरे का, इसको भी आप नोट कर लें वो पॉइंट नंबर 20 है जो उसको पिक लेना भूल गए। तो सेकेंड सन है मिस्टर स्मूरे का और फर्स्ट सन कौन है रोनी हिस्लॉप, तो मिस्टर स्मूरे का पहला बेटा है मिस्टर रोनी हिस्लॉप और दूसरे हस्बैंड से जो है उनका एक बेटी है जिसका नाम स्टेला है STELLA और रैल्फ है RALPH वो सेकेंड सन है मिस्टर स्मूरे का। और एक और कैरेक्टर है लेडी मेलनबी, LADY लेडी मेलनबी MELLANBY, तो लेडी मेलनबी जो है वो वाइफ है किसका, तो लेफ्टिनेंट का, सॉरी तो लेफ्टिनेंट का वाइफ है
ये चीज ठीक है। और ये जो लेडी मेलन भी है वही मदद करती है मिस्टर मुरे को पैसेज आउट ऑफ इंडिया, मतलब कि बाहर जाने, इंडिया से बाहर जाने में मदद करती है लास्ट लास्ट का नॉवल से, वही उनको जल्दी से मतलब इंडिया से निकलने में मदद करती है। थैंक यू द कैरेक्टर। तो अगर आपको डिटेल में अगर जानना हो डिटेल में, तो हम उसको स्पेशल स्पेशली अजीज का हो गया, मिस्टर मुरे का हो गया, और एडेला क्वेस्टेड का हो गया, ये सब का हम डिटेल में बना देंगे अगर आप हमको जस्ट पिन कर दें। ठीक है, तो थैंक यू।